नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। मेरे दिल में हिंदुस्तान, सिर्फ राष्ट्रहित की खबरें हैं मेरी पहचान। मैं लेकर आया हूं आपके सामने देश का सबसे बड़ा और अवार्ड विनिंग शो वंदे मातरम, जिसमें मैं मकसूद खान सिर्फ और सिर्फ देशहित की बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित की बात करूंगा। और आज वंदे मातरम में मैं मकसूद खान पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले पर बड़ा खुलासा करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह घोटाला महज 50 करोड़ का नहीं बल्कि 5000 करोड़ तक का हो सकता है। मैं आज पार्थ के पाप लोक की इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करूंगा वंदे मातरम में। मैं मकसूद खान आज आपको बताऊंगा कि पार्थ के पाप लोक में आखिर कितने किरदार हैं और इन सब के तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं। पार्थ के करप्शन का बांग्लादेश कनेक्शन, अर्पिता के घर में बंग बंधु की तस्वीर, इंडिया टू मलेशिया भ्रष्टाचार के तार, पार्थ के पापलोक के हर दिन नए राज, नए सबूत और नए साथी सामने आ रहे हैं। करप्शन के तार बांग्लादेश से लेकर मलेशिया तक जुड़ रहे हैं। कैश मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिल रहे हैं, लेकिन पार्थ कह रहे हैं ये उनका नहीं है। इस तस्वीर को देखिए, कमरे में नोटों का पहाड़ है। 2000 और 500 के नोट चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। पास ही कुछ पैकेट और बैग रखे हैं, लेकिन इन सब में एक बैग बेहद खास है। जूट के इस बैग को देखिए, इस पर छपी इस तस्वीर को देखिए, इस बैग में छपी इस तस्वीर के सामने आने के बाद से पार्थ के पापलोक के बांग्लादेश से कनेक्शन की बात सामने आ रही है। जूट के बैग में यह तस्वीर शेख मुजीबुर रहमान की है, जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और बंग बंधु के नाम से जाने जाते थे। मुजीब की तस्वीर वाला बैग अर्पिता के घर पर मिलने के बाद से ही कैश कांड के बांग्लादेश कनेक्शन के कयास लगाए जाने लगे थे और अब इस बारे में ईडी को कई अहम जानकारियां मिली हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में पार्थ और अर्पिता की संपत्ति हो सकती है। हवाला के जरिए बांग्लादेश में संपत्ति बनाने की जानकारी ईडी को मिली है। हवाला कनेक्शन में कोलकाता की एक कपड़े की दुकान की भूमिका सामने आई। सूत्रों के मुताबिक कपड़े की इस दुकान पर पार्थ चटर्जी साड़ी खरीदने बार बार आते थे। ईडी सूत्रों ने कहा, इसी दुकान से हवाला के जरिए बांग्लादेश में पैसा पहुंचाया जा रहा था। सूत्र बताते हैं, बांग्लादेश में हवाला का पैसा भिजवाकर वहां पार्थ और अर्पिता ने संपत्तियां खड़ी की। कैश लोक का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद अब ईडी विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। बांग्लादेश ही नहीं, पार्थ के पापलोक के तार मलेशिया से भी जुड़ रहे हैं। पार्थ की काली कमाई का मलेशिया कनेक्शन सामने आ चुका है। सामने आ चुका है कि पार्थ चटर्जी अपनी एक और महिला मित्र के साथ मलेशिया गए थे। ईडी को शक है वहां काली कमाई को ठिकाने लगाया गया था। तो पार्थ के पाप लोक में कुछ रहस्यमयी महिलाएं शामिल हैं। साड़ी से लेकर गाड़ी तक तमाम रहस्यों के तार खुल कर रहे हैं और बकायदा विदेश तक काली कमाई का ये कनेक्शन जुड़ रहा है।
हे पार्थ और कितने राजदार। पहले अर्पिता पकड़ाई, अब मोनालिसा की बारी आई। अर्पिता के घर से 50 करोड़ कैश मिला, जेवरात मिले, 20 मोबाइल फोन मिले, प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। लोगों को लगा अर्पिता ही पार्थ की वो राजदार है जिस पर वो भरोसा करते थे, अपना हर राज बताते थे। लेकिन ईडी की जांच आगे बढ़ी तो पार्थ के राजदार बढ़ गए, साथी बढ़ गए और पार्थ की परेशानी भी बढ़ गई। ईडी के मुताबिक केवल अर्पिता मुखर्जी ही पार्थ के पाप की कमाई की अकेली राजदार नहीं है। अर्पिता के अलावा पार्थ की 5 और महिला मित्र ईडी के रडार पर हैं, जिसमें मोनालिसा दास भी शामिल हैं। घोटाले की परत दर परत खोलने के लिए किसी भी वक्त मोनालिसा को पूछताछ के लिए जांच के दायरे में लाया जा सकता है। मोनालिसा दास के बारे में जो सबसे नई जानकारी सामने आई वो बेहद हैरान और चौंकाने वाली है। ईडी सूत्रों के मुताबिक मोनालिसा की गतिविधियों, पार्थ के साथ उनके संबंधों और उनकी संपत्ति की जांच शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान की रहने वाली मोनालिसा आसनसोल में काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में बांग्ला विभाग की अध्यक्षा है। बताया जा रहा है मोनालिसा दास को पार्थ चटर्जी के शिक्षा मंत्री रहते डायरेक्ट बांग्ला विभाग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति दी गई थी, जिसके बाद इस पर सवाल खड़े हुए थे। तब विपक्ष ने आरोप लगाया था पार्थ के साथ करीबी संबंध होने के चलते उन्हें विभागाध्यक्ष बनाया गया। दरअसल अर्पिता ईडी के सवालों के सामने टूटने लगी है और इसी पूछताछ के बाद ही मोनालिसा दास का नाम सामने आया, जिससे मोनालिसा दास अब मुश्किल में फंसती दिख रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर शांति निकेतन में मोनालिसा के नाम कम से कम 10 संपत्तियां हैं। अब ईडी की जांच की सुई इसी दिशा में घूम रही है। कहा जा रहा है मोनालिसा दास की कुल संपत्ति उनके इनकम सोर्स से कई गुना ज्यादा है। मोनालिसा की प्रॉपर्टी के बारे में पहले ही सोशल मीडिया पर खबरें तैर रही थी, जिनका मोनालिसा ने खंडन भी किया था। मोनालिसा दास ने अपनी सफाई में कहा था, एक शिक्षक के नाते वो उस वक्त के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को जानती थी। मोनालिसा ने पार्थ को अपना अभिभावक होने की बात भी कही थी। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है मोनालिसा का बांग्लादेश से कनेक्शन है, वो यहाँ आती जाती रही है। उन पर पार्थ के काले धन को ठिकाने लगाने का भी आरोप बीजेपी लगा रही है। पार्थ के अर्पिता, मोनालिसा, बांग्लादेश, मलेशिया से कनेक्शन के तार जोड़ने के अलावा ईडी के सामने चुनौती अर्पिता की महंगी कारों को ढूंढने की भी है। अर्पिता के पास 3 कारें थी, होंडा सिटी, मर्सिडीज बेंज और मिनी कूपर, फिलहाल गायब हैं। हो सकता है इन कारों में भी पैसा भरा हो। इन 2 कारों को छूने की इजाजत अर्पिता के ड्राइवर को भी नहीं थी। वहाँ पे गया था तब वहाँ पे मिनी कूपर एक तो था और मर्सिडीज बेंज था और होंडा सिटी था, ये 3 गाड़ी वहाँ पे देखा था मैं शुरू। ऐसे में शक है कहीं ना कहीं इन्हीं 2 कारों का इस्तेमाल रिश्वत की रकम को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में इस्तेमाल किया जाता था और अर्पिता के फ्लैट्स को इन्हीं के जरिए लाए गए पैसों से भरा जा रहा था। चटर्जी मुखर्जी एंड कंपनी ने इन पैसों को दीवारों में रखा, वॉशिंग मशीन से लेकर घर के बाथरूम और माइक्रोवेव ओवन तक में रखा, क्योंकि वो बेफिक्र थे। उन्हें यकीन था उनके इस पाप लोग का पता किसी को नहीं चलेगा, उनका ये खेला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन करप्शन की ये काली कमाई ज्यादा दिनों तक इन दरों दीवारों के पीछे छिप ना सकी और आखिर में करप्शन के किंग का ही खेला हो गया। और अब मैं मकसूद खान वंदे मातरम में आपको दिखाऊंगा वो दस्तावेज जो तस्दीक करते हैं कि पार्थ चटर्जी के शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षक भर्ती में दरअसल एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया और इस घोटाले में कुछ विधायकों पर भी बड़े आरोप लग रहे हैं।
ये जो नोटों के ढेर मिल रहे हैं ये कुछ नहीं है, चटर्जी एंड मुखर्जी कंपनी का ये घोटाला इससे बहुत बड़ा है और कई सालों से चल रहा था। अभी तो ये शुरुआती रकम है जो आगे चलकर 100 गुना तक हो सकती है। पचास नहीं 5,000 करोड़ का घोटाला। जी हिंदुस्तान पर सबसे बड़ा खुलासा। पार्थ का पाप लोक। ये सिर्फ एक घोटाला नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल के नौजवानों से धोखे की बहुत ही गहरी कहानी है जिसकी साजिश का ताना बाना बुना गया पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्रालय में, जिसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। और इस याचिका में जो दस्तावेज हैं वो न सिर्फ पार्थ चटर्जी को कटघरे में खड़ा करते हैं बल्कि ममता बनर्जी के कई विधायक भी आरोपों के घेरे में हैं। इस किस्से को हम उस याचिकाकर्ता से ही समझते हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में वो दस्तावेज दिए जिनसे तीन बड़ी चीजें सामने आती हैं। रिश्वत की एक लिस्ट जिसमें उन कैंडिडेट्स के नाम हैं जिन्होंने रिश्वत दी, नौकरी की सिफारिश, वो सिफारिशी चिट्ठियां जिसमें विधायकों ने चुनिंदा कैंडिडेट्स को नौकरी देने की सिफारिश की, ना काबिलों की नियुक्ति लिस्ट, ऐसे कैंडिडेट्स की लिस्ट जिन्होंने ना परीक्षा के लिए फॉर्म भरा ना नौकरी के लिए चुने गए लेकिन रिश्वत लेकर उन्हें मेरिट में जगह दे दी गई। ये मामला दरअसल साल 2014 के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से जुड़ा हुआ है जिसमें कि उन लोगों को तक नौकरी मिल गई जिनके नाम मेरिट लिस्ट में तक नहीं थे, उन लोगों को भी टीचर बना दिया गया जो महज छठी पास हैं, उन लोगों को भी इस दायरे में रखा गया जिनके नाम मेरिट लिस्ट में नहीं थे लेकिन रिश्वत लेकर के उनका नाम मेरिट लिस्ट में ऐड करवा दिया गया और उन्हें नौकरी थमा दी गई। दरअसल देखिए पार्थ चटर्जी के कुछ अंडरकवर एजेंट्स हैं जो कि उन कैंडिडेट्स को टारगेट किया करते थे, उसके बाद से उनसे रिश्वत लिया जाता था और फिर इसे पार्थ चटर्जी तक पहुंचाया जाता था। अब उन्हीं एजेंट्स में से एक की रिश्वत वाली लिस्ट जी हिंदुस्तान की टीम के पास है। यह है वो लिस्ट जिसमें किन किन से रिश्वत ली गई, कितनी रिश्वत ली गई और उनके फोन नंबर क्या हैं, ये पूरी डिटेल दर्ज है। इस लिस्ट में 30 कैंडिडेट्स के नाम हैं और उनसे लिए गए पैसों का पूरा ब्यौरा तो दर्ज है ही, जिन कैंडिडेट्स को पैसे लौटा दिए गए वो भी इस लिस्ट में दर्ज किया गया है। दस्तावेजों के मुताबिक याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में आरोप लगाया कि सूबे में प्राथमिक स्कूलों के लिए टीचर्स की नियुक्ति होनी थी और इसके लिए टीएमसी के 3 विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की लिस्ट तैयार की थी जिसे पार्थ चटर्जी को सौंपा गया, जिसमें कैंडिडेट के नाम और रोल नंबर बकायदा लिख कर दिए गए। तो एसएससी स्कैम घोटाले में अब 3 टीएमसी विधायकों के नाम भी सामने आ चुके हैं। पहला है अखिल गिरी, दूसरा असीम मांझी और तीसरा है मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय। ये वो 3 नाम हैं जिनकी सिफारिशी लिस्ट भी सामने आ चुके हैं। दरअसल ये वो सिफारिशी लिस्ट है जिनमें कुछ कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया गया था आगे और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और भी सिफारिशी लिस्ट सामने आ जाए जिनमें की मेरिट में गड़बड़ी की गई हो। ऐसी सिफारिशी लिस्ट कैसे तैयार हुई है, किसने तैयार की और क्या इसमें उन विधायकों की कोई भूमिका रही है, ये सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन याचिकाकर्ता के मुताबिक ऐसी सिफारिशी लिस्ट और रिश्वतखोरी के खेल में हजारों काबिल नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके सपनों को तोड़ दिया गया और पश्चिम बंगाल के स्कूलों में नाकाबिल टीचर्स की नियुक्ति कर दी गई। पहले था शुभ्रांशु राय, उस टाइम तृणमूल का विधायक था, वो अभी शायद काउंसलर है। सेकेंड था असीम कुमार मांझी, ही वॉज MLA ऑफ बोलागढ़ एट दैट टाइम। और थर्ड था अखिल गिरी। अखिल गिरी अभी फिशरीज का बंगाल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है। और भी लेटर्स हैं मेरे पास, मैं फिलहाल अभी तक आई डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज राइट नाउ क्योंकि उसको मैं कोर्ट में दूंगा, बट आपको एक हिंट मैं दे सकता हूँ
एक बंदा है जो अभी बहुत सारे मीडिया में दिख रहा है, ही सेइंग जे ना मैंने कुछ नहीं, मैंने एक्सपोज कर रहा हूँ, उनका भी रिकमेंडेशन है। तृणमूल हर एक लीडर्स का रिकमेंडेशन लेटर है जॉब रिलेटेड। दावा किया जा रहा है कि टीचर के तौर पर भर्ती के लिए एक एक फर्जी कैंडिडेट से 18 से 20 लाख रुपए लिए गए और इस घोटाले का दायरा सिर्फ एक साल की भर्ती से जुड़ा नहीं है बल्कि एक लंबा सिलसिला है और इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि ये मामला सिर्फ 50 करोड़ रुपए तक सीमित नहीं है बल्कि ये घोटाला 5000 करोड़ तक का हो सकता है। अभी आपको दिख रहा है, आपने देखा 50 या 58 ऐसा कुछ रिकवर हुआ, 50 CR और 58 ऐसा कुछ रिकवर हुआ, कुछ गोल्ड रिकवर हुआ, लेकिन इसका अगर एंड तक जाया जाए, एंड तक ठीक से देखा जाए तो इट विल बी अ स्कैम ऑफ मोर देन 5000 CR, क्योंकि प्राइमरी में प्राइस टैग था, प्राइमरी में मान लीजिए 5 से 10 लाख, अपर प्राइमरी से 10 से 15 लाख, 9-10 में 11 लाख एंड अबव, एंड HS में 11-12 में उसमें रफली 20 लाख में सेल हुआ एक एक टिकट। इस घोटाले के तार अभी बहुत दूर तक जा सकते हैं क्योंकि जब नियुक्ति की गई तो रिजल्ट आने के बाद मेरिट लिस्ट नहीं जारी की गई थी और तभी से ये शक था कि कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती में पैसों का खेल चल रहा है। बाद में जब कैंडिडेट्स ने विरोध किया, प्रदर्शन किए तो दबाव में आकर लिस्ट जारी कर दी गई और लिस्ट से ये पता चला कि कई ऐसे लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनका नाम मेरिट लिस्ट में था ही नहीं। हाल में कोर्ट ने उन 10 लोगों को आरोपी बनाने के लिए कहा है जिनकी नियुक्ति बतौर टीचर पार्थ चैटर्जी के बॉडीगार्ड विशंबर मंडल की सिफारिश पर की गई थी। देखिए इन 10 लोगों की नियुक्ति तो हो चुकी है लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि पार्थ चैटर्जी के बॉडीगार्ड विशंबर मंडल ने जिन लोगों की सिफारिश दी थी वो सभी के सभी लोग विशंबर मंडल के रिश्तेदार निकले, जैसे भैया, भाभी और तो और अपने दामाद तक को सरकारी टीचर बना दिया। साथ ही इसमें सबसे ज्यादा तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उनकी भाभी रही, ऐसे में उस महिला के बारे में ये जानकारी मिली है कि वो महज 6ठी पास है लेकिन आज बतौर सरकारी टीचर वो काम कर रही है और अभी ये 10 के 10 लोग सही सलामत अपने कार्य आज भी कर रहे हैं, यानी बतौर गवर्नमेंट टीचर वो आज भी काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि इनको कब और कैसे आरोपी के तौर पर सिद्ध किया जाता है। इधर पार्थ के कैश लोग को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी ने पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी की है, सवाल जवाब हुए हैं, वहीं दोनों ने कैश को लेकर कई राज खोले। इस सब के बीच जांच एजेंसियों की पड़ताल में विदेश में बेनामी संपत्ति और पार्थ की महिला मित्रों की फाइल भी अब खुलती जा रही है। कोलकाता में कैश लोग को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पार्थ की महिला मंडली में सबसे ऊपर अर्पिता के ठिकाने से नोटों का पहाड़ मिल चुका है और ईडी 50 करोड़ से ज्यादा मिले कैश और अकूत संपत्तियों के सोर्स का पता करने में जुटी है। अर्पिता सरकारी गवाह बनने को तैयार है और कैश लोग का रास खोलने में लगी है। अर्पिता ये पहले बता चुकी है कि नोटों का ये पहाड़ पार्थ मुखर्जी का है लेकिन पार्थ कैश को लेकर पहेलियां बुझाते नजर आ रहे हैं। अब ईडी ने अर्पिता और पार्थ को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान अर्पिता ने नोट लोक के बारे में खुलासा करते हुए कहा, मुझे पार्थ ने कभी भी पैसे छूने नहीं दिए, मुझे सिर्फ गहने पहनने की इजाजत थी। जबकि कैश लोक के सोर्स को लेकर पार्थ मुखर्जी ईडी को उलझाते रहते हैं, पहेलियां बुझाते रहे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी की पूछताछ में पार्थ मुखर्जी ने ऐसे संकेत दिए कि कैश के इस खेल की जानकारी पार्टी के शीर्ष स्तर को है। तो वहीं पार्थ मुखर्जी ने जी हिंदुस्तान के सवाल करने पर कहा, जब्त किया गया पैसा मेरा नहीं है, वक्त आने पर पता चलेगा किसका पैसा है। ये तो
বসুন দাদা আপনারা সুস্থ আছেন সুস্থ বোধ করছেন টাকা টাকা আপনার বলছে দাদা আপনার টাকা अर्पिता के घर में नोटों के पहाड़ को पार्थ अपना नहीं बता रहे तो सवाल उठता है नोटों का पहाड़ किसका है। पार्थ कह रहे हैं कि वक्त आने पर पता चलेगा पैसा किसका है, तो क्या कैश कांड का असली खिलाड़ी कोई और है या फिर पार्थ जांच एजेंसी को उलझाने के लिए चाल चल रहे हैं। जिस दौरान वो हॉस्पिटल के अंदर जा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने जरूर ये कह दिया कि पैसे मेरे नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन जरूर मिल रहा है कि अगर ये पैसे उनके नहीं है तो फिर किसके हैं, षड्यंत्रकारी कौन है। ये गंभीर सवाल बना हुआ है और इसी पर ईडी का मेन फोकस है कि आखिर षड्यंत्रकारी है कौन, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो केयर टेकर के तौर पर इन रुपयों का देखते थे और देख रेख कर रहे थे, तो फिर षड्यंत्रकारी यानी कि अदृश्य हाथ वो किसका है। पार्थ के कैश लोक का बांग्लादेश कनेक्शन, ईडी की जांच में ये बात सामने आ चुकी है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की जोड़ी ने कोलकाता से लेकर बीरभूम तक बेहिसाब संपत्तियां खड़ी की। पार्थ ने अर्पिता को कई फ्लैट्स और आलीशान फार्म हाउस तोहफे में दिए। ईडी अभी देश में पार्थ अर्पिता की जोड़ी की अकूत संपत्तियों का हिसाब लगाने में जुटी ही थी। इस बीच पार्थ के कैश लोक का विदेश कनेक्शन भी सामने आ गया। अर्पिता के घर से मिले नोटों के इस पहाड़ में जांच एजेंसी को तलाशी के दौरान जूट का एक बैग मिला। जूट के बैग पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर है, जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और बंग बंधु के नाम से जाने जाते थे। इसी बैग के जरिए जांच एजेंसी को पार्थ के कैश लोक का बांग्लादेश कनेक्शन का सबूत मिला। ये बैग जिस कंपनी का है और उस कंपनी के उद्घाटन समारोह में पार्थ चटर्जी शामिल थे। ईडी के सूत्रों के मुताबिक उस टेक्सटाइल कंपनी की एक दुकान के जरिए पार्थ और अर्पिता ने बांग्लादेश में बेनामी संपत्ति बनाई। कोलकाता के कपड़े की दुकान से पार्थ ने बड़े पैमाने पर खरीदारी की और उसी दुकान से हवाला के जरिए बांग्लादेश में पैसा पहुंचाया जा रहा था। कैश लोक का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद अब ईडी विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। पार्थ की महिला मित्र मंडली की कुंडली, पार्थ के कैश लोक में महिला मंडली की भूमिका अहम है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक पार्थ चटर्जी की कैश लोक से जुड़ी पांच महिला मित्र और कई राजदार हैं, जिसमें अर्पिता मुखर्जी और मोनालिसा दास की फाइल खुल चुकी है, लेकिन तीन और महिला मित्र के नाम सामने आने बाकी हैं। ईडी उन तीन महिला मित्रों की फाइल खोलने से पहले सारे सबूत जुटा लेना चाहती है। पार्थ के महिला मित्रों के घर से निकले नोट से ईडी को कई अहम जानकारी मिलती जा रही है। कैश लोक की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पार्थ की महिला मित्रों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी के बाद पार्थ चटर्जी की एक और महिला मित्र के बारे में पता चला है। पासपोर्ट से पता चला कि हाल ही में पार्थ चटर्जी उस महिला मित्र के साथ मलेशिया गए थे। जांच एजेंसी पार्थ और पार्थ की उस महिला मित्र के तमाम दस्तावेज को इकट्ठा कर इस बात की जानकारी जुटा रही है, क्या पार्थ का मलेशिया घूमना सिर्फ एक बहाना था ताकि पैसे को ठिकाना लगाया जा सके। ईडी को शक है कि महिला मित्रों के ठिकानों को पार्थ ने कैश जमा करने के लिए बड़े ही शातिर तरीके से चुना। पार्थ ममता सरकार में खुद मंत्री थे और काले धन को सफेद करने के लिए पार्थ बड़ा सिंडिकेट खड़ा कर रहे थे। पार्थ की कोई भी महिला मित्र हाई प्रोफाइल नहीं है, किसी सियासी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, यही वजह है कि नोटों का पहाड़ बनाने का खेल बेरोक टोक चल रहा था। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल वंदे मातरम में यहां रुकेंगे और ब्रेक के बाद बात होगी चीन और ताइवान के बीच बढ़ती टेंशन की। अब इसमें अमेरिका क्या इस टेंशन को बढ़ाने की कोशिश में है, क्या वाकई में महायुद्ध की वजह से महाविनाश की कगार पर एक बार फिर से दुनिया खड़ी होगी। छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे वंदे मातरम में, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पर जारी है वंदे मातरम, मैं हूं आपके साथ मकसूद खान।
मेरे दिल में हिंदुस्तान, सिर्फ राष्ट्रहित की खबरें हैं मेरी पहचान। वंदे मातरम में अब बात करेंगे ताइवान और चीन के बीच जिस तरह की टेंशन लगातार बढ़ रही है उसी को लेकर। ये एक नई टेंशन दरअसल अमेरिका के एंट्री की वजह से बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले भी लगातार दोनों देशों के बीच गतिरोध लंबे वक्त से बरकरार है। तो ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका अब आमने सामने आ चुके हैं। दो महाशक्तियां जंग के मुहाने पर खड़ी हो चुकी है। अमेरिका की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर हमले की खुली चेतावनी दी है और अब जिनपिंग की आर्मी ताइवान पर हमले की तैयारी भी कर रही है। वहीं ताइवान भी चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ताइवान पर चीन के हमले से निपटने के लिए अमेरिका ने भी दक्षिण चीन सागर यानी कि साउथ चाइना सी में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। चीन करेगा ताइवान पर अटैक। ताइवान भी जंग करने को तैयार। चीन ताइवान पर हमला करने को तैयार है। ड्रैगन पूरी तरह अटैकिंग मोड पर है। चीन ताइवान दोनों तरफ की सेना जंग की तैयारी में जुटी है। जिनपिंग की लाल सेना समंदर में ताइवान को ललकार रही है। ताइवान स्ट्रेट के पास जिनपिंग की सेना ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के हमले का जवाब देने के लिए ताइवान ने समंदर में अपनी फौज को उतार दिया है। ताइवान को लेकर अमेरिका चीन के बीच ठनी। अमेरिका की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान की यात्रा को लेकर दो महाशक्तियों के बीच ठन गई है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि नैंसी पेलोसी ताइवान आई तो चीन की मिलिट्री सेना ताइवान पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगी। ड्रैगन का अमेरिका को सीधे धमकी के बाद ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने खुद मोर्चा संभाल लिया। साई खुद युद्धपोत पर सवार होकर समंदर में पहुंच गई और चीन को सख्त संदेश दिया कि ताइवान चीन की धमकियों के सामने झुकेगा नहीं। ड्रैगन की हमले की धमकी को देखते हुए अमेरिकी मिलिट्री ने बड़ा फैसला लेते हुए इंडिया पैसिफिक रीजन में अपनी गतिविधियां और ताकत बढ़ाने का ऐलान कर दिया ताकि नैंसी पेलोसी अगर यहां आती हैं तो उनकी पूरी सुरक्षा दी जा सके। अमेरिका और चीन के बीच विवाद की बड़ी वजह ताइवान बना हुआ है। इसे लेकर चीन और अमेरिका के बीच ठन गई है। महाशक्तियों के बीच जंग का मैदान बन सकता है। आइए आपको दिखाते हैं महाजंग की आशंका क्यों जताई जा रही है। नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे को अमेरिका और चीन ने नाक का सवाल बना लिया है। चीन ने साफ कर दिया कि अगर ताइवान पर चुनौती दी गई तो अमेरिका को नतीजे भुगतने को तैयार रहना होगा। इस बीच अमेरिका ने भी साउथ चाइना सी में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन और उसके स्ट्राइक ग्रुप को उतार दिया। इधर रोनाल्ड रीगन की साउथ चाइना सी में एंट्री हुई, उधर चीन तिलमिला उठा। चीन कह रहा है अमेरिका अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे पर चीन की स्थिति साफ है और दृढ़ है। अमेरिका ने एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजकर अपनी ताकत दिखाई है। हम देख सकते हैं कि दक्षिण चीन सागर और एशिया में कौन शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इधर ताइवान चीन के किसी भी हमले का जवाब देने को तैयार है। ताइवान ने चीन के संभावित हमलों से निपटने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी।
युद्धपोत के साथ समंदर के बीच पहुंची राष्ट्रपति साई इंग वेन ने खुद क्षमताओं को परखा, युद्धपोत से फायर किया तो आसमान में उड़ान भर रहे फाइटर प्लेन ने भी टारगेट को नष्ट कर दिया। समंदर में लड़ रहे सभी भाई बहनों के लिए इस शानदार युद्ध अभ्यास के जरिए ताइवान के जवानों ने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी क्षमता और संकल्प को दर्शाया है। चलिए अपनी जमीन को बचाने के लिए हम साथ मिलकर कड़ी मेहनत करें। इसके अलावा ताइवान अपने नागरिकों को चीन के किसी भी संभावित हमले से बचने की प्रैक्टिस करवा रहा है। ताइवान की एयरफोर्स भी खुद की तैयारियों में जुटी हुई है ताकि चीन के हमले के हालात में फौरन जवाब दिया जा सके। अमेरिका कभी चीन पर नरम है तो कभी गरम, कभी बाइडेन खुद नैन्सी के दौरे को अभी जरूरी नहीं कहते तो कभी अमेरिकी सेना की गतिविधियां चीन के आसपास बढ़ जाती हैं। ऐसे में सवाल यही, क्या ये चिंगारी युद्ध के बारूद को भड़का सकती है? फिलहाल चीन और अमेरिका के बीच नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर जिस तरह माहौल गर्म है, आशंका जाहिर की जा रही है कहीं सुपर पावर युद्ध के मुहाने तक तो नहीं पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये युद्धाभ्यास तक तो ठीक है लेकिन एक्शन शुरू हो गया तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इन दोनों के बीच बढ़ती टेंशन के बीच तमाम बड़े सवाल हैं, क्या ताइवान पर हमला कर सकता है चीन? अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो क्या अमेरिका उसकी मदद करेगा? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट की खबर से दरअसल चीन बेहद खफा है, नाराज है और इससे में माना यही जा रहा है कि चीन ताइवान को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है और अगर ये फैसला ताइवान पर हमला होता है तो ताइवान और अमेरिका क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या चीन करेगा ताइवान पर अटैक? क्या बीजिंग को रोक पाएंगे बाइडेन? चाहे जिनपिंग का प्लान ताइवान, ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। बाइडेन और जिनपिंग आमने सामने आ गए हैं। चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा बताता आया है लेकिन ताइवान खुद को आजाद मुल्क मानता है। अमेरिका किसी भी सूरत में ताइवान को चीन के हाथों में जाते नहीं देख सकता और यही टकराव की वजह है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान विजिट पर जा रही हैं। पेलोसी की ताइवान विजिट की तारीख तय नहीं है लेकिन माना जा रहा है वो अगस्त के पहले हफ्ते में ताइवान जा सकती हैं। चीन इसी को लेकर बेहद नाराज है, वो लगातार अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दे रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अब माना जा रहा है चीन भी पुतिन की राह पर चल सकता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन को चेता चुके हैं, चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका भी मिलिट्री एक्शन लेगा। ऐसे में दो सवाल उठते हैं। पहला, अगर चीन ताइवान पर हमला करे तो क्या अमेरिका ताइवान की मदद करेगा? और दूसरा, ताइवान खुद की सुरक्षा के लिए कितना सक्षम है? रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया अमेरिका की भूमिका देख रही है। ऐसे में अपने पहले सवाल, क्या अमेरिका ताइवान की मदद करेगा, इसमें संशय नजर आता है। इसकी दो वजहें हैं। पहला, अमेरिका सिर्फ चीन को ताइवान पर हमला करने से रोकना चाहता है।
अमेरिका इतना चाहता है ताइवान के पास सैन्य और अन्य संसाधन इतने रहें कि चीन आक्रमण करने से कतराए। दूसरा, चीन के पास ज्यादा सैन्य ताकत है। चीन की आर्मी मिलिट्री व्हीकल के मामले में अमेरिका से आगे है। उसके पास ज्यादा टैंक, सैनिक और मिसाइलें भी भरपूर हैं। चीन की थल सेना में ही 3 कमांड हैं। इसमें हल्के वाहनों के जरिए भेजी जा सकने वाली यूनिट, भारी भरकम मशीनों के साथ भेजे जाने वाली टुकड़ी और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ भेजे जाने वाली यूनिट शामिल है। ऐसे में अमेरिका चीन से उलझना नहीं चाहेगा। अब हम अपने दूसरे सवाल पर आते हैं। चीन ने हमला किया तो ताइवान क्या करेगा, अपनी रक्षा कैसे करेगा? इसका जवाब जानने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है, अगर चीन ताइवान पर अटैक करता है तो उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चीन 3 रास्तों से ताइवान पर हमला कर सकता है, जमीन, समंदर और आसमान। चीन अपनी नेवी का फायदा उठाते हुए समंदर के रास्ते ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन की नेवी के पास 360 कॉम्बैट शिप हैं, अमेरिका के पास 300 से कम हैं। चीन के पास एडवांस मर्चेंट फ्लीट और कोस्ट गार्ड भी हैं। चीनी सेना के पास कुछ ऐसे बोट्स भी हैं जो अनऑफिशियली सेना की मदद करते हैं। इनमें सैकड़ों सैनिकों को जहाजों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है और इसके अलावा हजारों टैंक्स, गन, मिसाइल, बख्तरबंद गाड़ियां, रॉकेट लॉन्चर्स को भी ले जाया जा सकता है। लेकिन यहां चीन के सामने एक बड़ी चुनौती है। समंदर के रास्ते करीब 117 किलोमीटर की दूरी पार करना चीनी सेना के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि समंदर में हरकत होते देख ताइवान लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइल से अटैक कर देगा। इसी तरह की मिसाइल से यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण वॉरशिप मस्कावा को तबाह कर दिया था। समंदर के बाद बात आती है आसमान की। चीन की एयर फोर्स के पास एडवांस जेट्स हैं। ऐसे में यूक्रेन पर रूसी हमले से सीख लेते हुए चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए सीधे हवाई हमले का ऑप्शन चुन सकता है। लेकिन चीन के लिए हवाई हमले करना इतना भी आसान नहीं होगा। पश्चिमी देश ताइवान को हवा में मार करने वाले हथियार दे रहे हैं जिनसे बचना मुश्किल है। आकाश और समंदर के बाद चीन के पास ग्राउंड वॉर का विकल्प बचता है। ताइवान के पास करीब 1.5 लाख सैनिक हैं। इन्हें चीनी सैनिकों से मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। सबसे पहले तो चीनी सैनिकों को ताइपे के आसपास सुरक्षित जगह तलाशनी होगी जिससे वो खुद को डिफेंड करते हुए हमला कर सकें। हालांकि ये मुश्किल होगा क्योंकि ताइवान के सैनिक अपनी सरजमीन को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें हर तरह के बंकर्स और सुरंग के बारे में जानकारी होगी। सैनिकों को तैनात करने में भी चीन को भारी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। ऐसा माना जाता है हमला करने वाली सेना की तादाद 1:3 होनी चाहिए। इतना ही नहीं, चीन के सैनिकों को बैटलफील्ड एक्सपीरियंस यानी जमीनी लड़ाई का अनुभव नहीं है। आखिरी बार चीनी सैनिकों ने 1979 में वियतनाम के खिलाफ जंग लड़ी थी। ऐसे में ताइवान पर हमला करने से चीनी सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरे और आसान शब्दों में कहें तो वॉर प्रैक्टिस और बैटलफील्ड एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। लद्दाख में भारतीय सैनिकों से मुकाबले के दौरान चीन को इसका बखूबी अंदाजा भी हो गया होगा। इन तीनों ही मोर्चे पर चीन को ताइवान से बड़ी चोट मिल सकती है। जाहिर है जिनपिंग इतना खतरा मोल नहीं लेना चाहेंगे। चीन की कोशिश होगी कोई ऐसा हल निकाला जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वंदे मातरम में आज के लिए फिलहाल इतना। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।